नमस्कार, मैं हूं विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा, जो पूर्व में आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनका बिहार दौरा का कार्यक्रम जो पांचवें चरण तक पहुंच चुका है, और बीते दिन उपेंद्र कुशवाहा मुजफ्फरपुर दौरे पर पहुंचे थे, जहां जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त स्वागत उपेंद्र कुशवाहा का किया था, और उपेंद्र कुशवाहा को सोने का मुकुट पहनाकर और सिक्का से तौल कर तराजू में स्वागत किया। उपेंद्र कुशवाहा के अंदर में संगठन शक्ति जबरदस्त है, ऐसा कहा जाता है। नीतीश कुमार के खासम खास पूर्व से ही रहे उपेंद्र कुशवाहा इन दिनों बिहार दौरे में लगे हुए हैं, और संगठन को मजबूत करने में उनकी भूमिका अहम देखी जा रही है। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि दौरे के बाद संगठन में फेरबदल की संभावना है, साथ ही साथ जातीय जनगणना बिहार की हो, इसके लिए सबकी निगाहें प्रधानमंत्री पर टिकी हुई है। जनता दल यूनाइटेड की वापसी हुई है, शिक्षा में सुधार और छात्र छात्राओं को जो सुविधा दी जा रही है, और महिलाओं को जो सुरक्षा प्रदान की गई है, जिसके कारण फिर एक बार बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनी है। नीतीश कुमार के किए गए कार्य बिहार के लोगों को हमेशा याद आता है। गलियों और मोहल्लों तक सड़कों का जाल बिछ चुका है, हर घर में बिजली पानी देने के लक्ष्य को पूरा किया जा रहा है, साथ ही साथ अपराध पर अंकुश लगा है, और जनता दल यूनाइटेड की पूर्व घोषित कई कार्यक्रम ऐसे हैं जिसे लागू करने के लिए राष्ट्र जनता दल यूनाइटेड के मुखिया नीतीश कुमार जीतोड़ मेहनत कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का स्वागत, भव्य स्वागत किया गया मुजफ्फरपुर के जदयू कार्यकर्ताओं के द्वारा, साथ ही साथ उन्हें सोना का मुकुट पहनाकर सम्मानित किया गया, और उन्हें सिक्का से तौला गया तराजू पर, और जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ताओं का हुजूम देखकर ऐसा मानो लगता है कि उपेंद्र कुशवाहा ने बिछड़े हुए नाराज कार्यकर्ताओं को भी साथ में जोड़ने का पहल किया। उपेंद्र कुशवाहा के इस दौरे के महत्व को काफी महत्वपूर्ण माना जा सकता है, क्योंकि नीतीश कुमार के दिशा निर्देश पर उपेंद्र कुशवाहा पूरे बिहार के दौरा में लगे हुए हैं, और पूरे बिहार का दौरा करके जदयू को फिर एक बार मजबूत पार्टी बनाने में लगे हुए हैं। क्योंकि पिछले चुनाव में, बीते विधानसभा चुनाव में, जनता दल यूनाइटेड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा, भाजपा बड़ी पार्टी हो गई जदयू से, और सबसे बड़ी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल बिहार में उभर कर सामने आई। कम सीट होने के बाद भी भाजपा ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। यह टीस नीतीश कुमार को है कि हमें अपने संगठन शक्ति को बढ़ाना है, जनता के बीच जाकर हमें अपने कार्यक्रम को लोगों तक पहुंचाना है। इसके लिए उपेंद्र कुशवाहा को आगे किया गया है। अब देखना यह है कि उपेंद्र कुशवाहा को संगठन में क्या अहम भूमिका मिलती है, या वो जनता दल यूनाइटेड संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष तक ही सीमित रह जाएंगे। जो भी होगा मैं आपको अवगत कराऊंगा। मेरे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।